हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। अपन वीडियो ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं रिलेटेड टू दी फ्लूइड मैकेनिक्स, और उस फ्लूइड मैकेनिक्स के ट्यूटोरियल्स में अपन देख रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक। और उसी सेक्शन पे आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अपन पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, मीन्स ए टू जेड रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो गाइस, आई वॉन्ट योर अटेंशन टूवर्ड माई बोर्ड गाइस। अब आइए अपन देखते हैं कि यदि अपन ने एक किसी कंटेनर पे सिंगल फ्लूड की बजाय मल्टीपल फ्लूड्स लिए हैं तब बियॉन्ड फोर्स कितना होगा। तो सिंपली इसको लिख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज योर कंटेनर, और कंटेनर में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, और लेट अस सपोज यहां का डेंसिटी जो लिक्विड का है दैट इज रो फोर, जो यहां का डेंसिटी है लिक्विड का दैट इज रो थ्री, जो यहां का लिक्विड का डेंसिटी है दैट इज रो टू, जो यहां का लिक्विड का डेंसिटी है दैट इज रो वन। और लेट अस सपोज हमारा यहां बॉडी ऐसे डिप्ड है, दिस इज अवर बॉडी विच इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड। इसे हम क्वेश्चन के तहत देख रहे हैं। तो आपसे पूछता है कि लेट अस सपोज ये वॉल्यूम यहां पे है जो वो वी वन है, यहां पे V2 है, यहां पे V3 है, यहां पे V4 है। तो अपन बोलेंगे कि यार हर लिक्विड की वजह से बियॉन्ड फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब हर लिक्विड की वजह से बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। मतलब हर लिक्विड के द्वारा जो बियॉन्ड फोर्स लगाया गया वो ऊपर ऊपर ऊपर, सब ऊपर क्यों लगाया गया, तो एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री। और जब एंगल जीरो डिग्री हो गया तो हम वेक्टर्स को डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं, लेट अस सपोज लिक्विड वन के चलते फोर्स आया एफ वन बी, लिक्विड टू के चलते आया एफ टू बी, लिक्विड थ्री के चलते आया एफ थ्री बी, लिक्विड फोर के चलते आया एफ फोर बी। तो सिंपली कहेंगे कि जो टोटल फोर्स लग रहा होगा, टोटल बियॉन्ड फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो वन इंटू वी वन इंटू जी प्लस रो टू वी टू जी प्लस रो थ्री वी थ्री जी प्लस रो फोर वी फोर जी। तो अपन इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रो वन प्लस सॉरी रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू प्लस रो थ्री वी थ्री प्लस रो फोर वी फोर इंटू जी। सो यदि मल्टीपल लिक्विड्स हैं या कि मल्टीपल फ्लूइड्स हैं तब बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो इतनी होगी। मतलब हर इंडिविजुअल लिक्विड के चलते बियॉन्ड फोर्स निकाला, हर इंडिविजुअल फ्लूइड के चलते बियॉन्ड फोर्स निकाला, और उन सबको डायरेक्टली न्यूमेरिकली एड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ये सारे वैक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि इसके चलते भी बियॉन्ड फोर्स ऊपर आएगा, इसके चलते भी ऊपर, इसके चलते भी ऊपर, इसके चलते भी ऊपर। सो गाइस, ये तो था केस यदि हमारे पास लिक्विड कैसे हैं, मल्टीपल। सो गाइस, अब आगे देखते हैं अपन कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, या कि कोई बॉडी सिंक कर गई, या कि कोई बॉडी मात्र इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूं कि आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को ऐसे पानी में छोड़ा, वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन वहीं पे एक पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक ले लीजिए, उसको छोड़िए वो तैरता रहता है, ठीक है। वहीं पे कोई ऐसी मटेरियल को देखिए, होते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे उनको डाले तो वो ना ऊपर तैर रहा होगा ना पूरी तरीके से डूबेगा, जस्ट लिक्विड के लेवल के नीचे रहेगा। कैसे, इन तीनों को अलग अलग फिगर से देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि एक केस ऐसा है, केस नंबर ए, केस नंबर बी की बात करें तो कुछ ऐसा है। लेट अस सपोज कि मतलब ये लिक्विड है और लिक्विड के जस्ट लेवल से नीचे हमारा बॉडी है। और एक केस नंबर सी, लेट अस सपोज वो कुछ ऐसा है कि जैसे ही हमने बॉडी को डाला, बॉडी कहां चली गई, अंदर चली गई। मतलब ये केस ऑफ फ्लोटिंग हो गया और ये केस ऑफ सिंकिंग हो गया।
सो गाइज आइए बात करते हैं कि इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी. तो अपन लिखना चाहें इफ वेट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द बियॉन्ड फोर्स, इफ वेट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द बियॉन्ड फोर्स तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी. तो अपन इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जी से जी को चेप दीजिए तो क्या मिल गया, रो बी बाय बाय रोएल, रो बी बाय बाय रोएल इज इक्वल टू वी एल बाय वी बी. अब ये वी एल क्या है, तो वी एल को यदि हम लिखना चाहें तो सीधे सीधे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड इनसाइड, क्योंकि उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा जितना कि बॉडी का वॉल्यूम अंदर होगा. तो मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड इनसाइड. तो यदि ध्यान से देखें तो इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे, इसी को लिख सकते हैं रो बी बाय बाय रो एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी. सो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, दिस इज दी फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डिप्ड, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डिप्ड इनसाइड द फ्लूइड, मतलब बॉडी का कितना फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर डिप्ड है, फ्लूइड के अंदर डिप्ड है, दैट विल बी इक्वल्स टू द रो बी अपॉन रो एल, वेयर रो बी इज व्हाट डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड रो एल इज व्हाट डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो यहां से हमें आइए कुछ कंडीशंस निकालते हैं फॉर केस ए. केस ए में आप देखिए तो आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड इनसाइड द लिक्विड कम है, किससे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी से. तो सीधे सीधे मैं कहूंगा कि दिस इज लेस देन वन, तो इन केस ऑफ केस नंबर ए हमें मिल जाएगा रो बी बाय बाय रो एल इज लेस देन वन. यहां से कंडीशन आ गई रो बी इज लेस देन रो एल, मतलब यदि बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से कम है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वुडन ब्लॉक होता है वो पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है, क्यों, क्योंकि वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, इसीलिए. अब आइए देखते हैं अगला केस, आगे केस नंबर बी की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं. केस नंबर बी की बात करते हैं तो केस नंबर बी में क्या हो चुका है, कंप्लीटली सबमर्ज, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड. तो इसको मैं सीधे सीधे लिखूंगा रो बी बाय बाय रो एल इज इक्वल टू वन. तो यहां से हमें मिल गया रो बी इज इक्वल टू रो एल, मतलब यदि किसी केस में जो हमने बॉडी लिया है उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर है तो लिक्विड के जस्ट लेवल के नीचे हमारा बॉडी तैरता रहेगा, या कि वहीं पे फिक्स हो जाएगा. सो दिस वाज द केस, दिस वाज द कंडीशन फॉर दिस केस. इन कंडीशंस को याद रखिएगा बेटा, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे जे एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. वहां पे आपको डायरेक्टली ऐसा केस दे देगा ये पूछ लेगा, या कि ऐसा केस दे देगा ये पूछ लेगा. अब बात करते हैं केस नंबर सी की. तो सी केस में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए. तो सी केस में क्या वेट बैलेंस हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि यदि वेट बैलेंस हो गया होता तो आई एम डैम श्योर कि बॉडी कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही होती. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड कभी भी वॉल्यूम ऑफ बॉडी से तो ज्यादा हो नहीं सकता, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिप्ड कभी वॉल्यूम ऑफ बॉडी से ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन. और जब ये कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यदि इफ केस नंबर सी, इफ बोल इफ केस नंबर सी आ गया हमारे पास, तो ऐसा बोलेंगे कि इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मींस वेट ऑफ बॉडी विल नॉट बी बैलेंस विद दी बियॉन्ड फोर्स. सो एक बात याद रखिएगा, इसको फिर से समझ लीजिए. हमने देखा सबसे पहले केस में यहां पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिप्ड इनसाइड द फ्लूइड वाज लेस देन इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसीलिए मैंने इसको लेस देन वन लिख लिया
और वहां से एक कंडीशन पा लिया कि लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा है। दूसरे कंडीशन में देखा कि बॉडी का जस्ट सबमर्ज हुई है, मतलब जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम, सॉरी जितना बॉडी का वॉल्यूम हाँ उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस, या कि कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जितना लिक्विड के अंदर बॉडी डिप्ड है वो उतना ही वॉल्यूम है जितना की बॉडी का वॉल्यूम है। तो वहां से हमें कंडीशन मिल गई, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। लेकिन अगला केस आता है, अब यही तो केस हो सकते हैं कि लेस देन वन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन वन। तो यदि हो गया हमारा ग्रेटर देन वन तो क्या हो जाएगा, रो बी इज ग्रेटर देन रो एल। और इस केस में आप ये बताइए कि क्या कभी ये ग्रेटर देन वन पॉसिबल है, नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैं पानी के अंदर ऐसे घुसूंगा, पानी के अंदर जाऊंगा, तो क्या मैं अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकता हूं, नहीं। हो सकता है कि मैं अपने बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर लूं, या कि हो सकता है कि मैं अपने किसी पार्ट के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर लूं, मतलब फर्स्ट टू केसेस। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद के वॉल्यूम से ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर दूं। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सिंपल सा यहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर केस नंबर सी। तो यहां से आ गया, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन बॉडी विल गेट सिंक, मतलब बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, और यदि ऐसा होगा तो बॉडी फ्लोट करती रह जाएगी। सो दिस वॉज अबाउट दी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी रिलेशंस। अब बात करते हैं आगे। अब यदि मान लीजिए कोई भी बॉडी है जो कि लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी उस लिक्विड के अंदर है, मतलब दिस इज द केस, लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी विच इज कंप्लीटली सबमर्ज इन साइड द लिक्विड। तो जब कंप्लीटली सबमर्ज इन साइड द लिक्विड है तो क्या अपन ये बात लिख सकते हैं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, एंड लेट अस सपोज इट्स वॉल्यूम इज वीवी, इट्स वॉल्यूम इज वीवी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं यहां से, बियॉन्ड फोर्स एफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्यों ले लिया, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी लिक्विड के अंदर डिप हो गया है, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब मैं इसी को थोड़ा सा और लिखना चाहूंगा अच्छे से, तो लिख सकता हूं रो एल इंटू रो बी इंटू वी बी इंटू जी, वेयर रो बी इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन रो बी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं रो बी इंटू वी बी इंटू जी अपॉन रो बी अपॉन रो एल। अब ध्यान से देखिए तो इसको अपन लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा आपका रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड। तो यहां से अपना फॉर्मूला बन जाएगा बियॉन्ड फोर्स एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मीन्स मास ऑफ बॉडी, सो वेट ऑफ द बॉडी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। सो दिस इज अवर न्यू फॉर्मूला विच विल बी यूज इन मैनी टाइम्स। सो गाइज इस बात को याद रखिएगा कि बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इन विच केस, इन द केस ऑफ बॉडी विच इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन साइड अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एल। अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। गाइज हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसमें कि एक लिक्विड भरा हुआ है, उसका हमें डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, हमने एक बॉडी को ऊपर से छोड़ा है कितनी हाइट से, एच हाइट से, और उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना है, 1/2 है, और हमने बॉडी को किससे छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि बॉडी दोबारा रेस्ट में कब आएगी, मतलब कितनी डेप्थ में जाने के बाद बॉडी हमारी किसमें आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, मतलब ऐसा कंडीशन बताना है कि वी इक्वल टू जीरो हो जाए। अब ये होगा पॉसिबल कैसे, तो ऐसे पॉसिबल होगा कि जब बॉडी आ रही होगी ऐसे, तो यहां तक तो उस एक्सीलरेट की होगी, एक्सीलरेट करने की वजह से वेलोसिटी बढ़ी होगी, क्यों एक्सीलरेट की होगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन लिक्विड के अंदर आते ही
उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो गया जो कि बॉडी को ज्यादा रेट से डीएसिलेट कराएगा इन कंपेरिजन टू दी एक्सीलरेशन गिवन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारी बॉडी क्या करने लगी, डीएसिलेट करने लगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी की पूरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अपन को वही डेप्थ निकालना है जहां की अपना वेलोसिटी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो आइए देखते हैं, अपन इसको थोड़ा सा सिंपल ऐसे करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी वो किसकी वजह से हो रही होगी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बस यहां से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू हो जाएगा पिछले फॉर्मूले से दैट इज वेट ऑफ द बॉडी एम जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी दैट इज 1/2 मीन्स 2mg। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सपोज मैंने माना कि ये कितना डिस्टेंस अंदर गया है, x डिस्टेंस अंदर गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बियॉन्ड फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो हमें पता है कि फाइनली भी वेलोसिटी जीरो तो के ई फाइनल जीरो, इनिशियली वेलोसिटी जीरो तो के ई इनिशियल भी जीरो इज इक्वल टू, अब इसके बारे में लिखते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ होगा, तो कितना डिस्टेंस चला, एच प्लस एक्स, तो सीधे सीधे लिखते हैं एम जी इन टू एच प्लस एक्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें पता है कि बियॉन्ड फोर्स ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, मतलब बियॉन्ड फोर्स के चलते जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव। इसीलिए मैं उसको पुट करता हूं माइनस 2mg दैट इज बियॉन्ड फोर्स इन टू एक्स, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस में बियॉन्ड फोर्स लग पाया है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पूरे केस में लगा था लेकिन बियॉन्ड फोर्स कहां से कहां तक लग पाया, मात्र यहां से यहां। तो अपन ये लिख लिए और इसको सॉल्व करने के बाद एम से एम को चेप दीजिए, जी से जी को चेप दीजिए, और जब ऐसा आप चेपेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा यहां से एच प्लस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू एच, मतलब प्रूव हो गया रे बच्चा। क्या प्रूव हुआ, प्रूव ये हुआ कि बॉडी जब हमारा एच डेप्थ तक चली जाएगी तो हमारी बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। किसकी वजह से, ड्यू टू दी डीएसिलरेशन गिवन बाय दी विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स नो सॉरी दैट इज बियॉन्ड फोर्स। आइए देखते हैं इसको आगे गाइस, अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 5 है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और वो लिक्विड के अंदर ही पहले हमने उसको ऐसे पकड़ के रखा है, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ना बॉडी फ्लोट करेगी ना मात्र अंडर लेवल पे रहेगी, बॉडी कहां जाएगी, सीधे बॉटम में जाएगी। क्यों, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स अभी भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो बॉडी जब नीचे जाएगी तो नीचे जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपसे क्वेश्चन है कि वो किस वेलोसिटी से नीचे जाने के बाद टकराएगा, मतलब जब बॉटम में वो जाके टकराएगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि समेशन ऑफ ऑल वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो सबसे पहले यहां पे निकाल लेते हैं बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू, एफ वी दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड दैट सॉरी वेट ऑफ बॉडी दैट इज एम जी अपॉन 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स। तो ऑल समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बियॉन्ड फोर्स
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, जीरो. फाइनली कुछ भी होगा जो कि हमें पता नहीं, तो हम वही तो निकालने जा रहे हैं. चलिए तो पुट करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड देट विल बी इक्वल टू दी एम जी मल्टीप्लाइड बाई एच. क्योंकि मैंने माना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, एच, जो कि ऑलरेडी गिवन भी है. माइनस, अब माइनस क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है. मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, तो माइनस एम जी बाई फाइव इंटू एच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनली मैंने माना कि वहां वेलोसिटी भी से टकराया होगा, तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो. और यहां से हमारा आंसर आ गया, एम सी एम को चेप दो. जब एम सी एम को चेप दिए तो आपको क्या मिल गया, यहां से इसको सॉल्व करने पे इसको उधर भेजते हैं तो 2H माइनस 2GH Y5, यहां भी G रहेगा, इज इक्वल टू V स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 10 माइनस 2 दैट इज 8 बाई 5GH का होल अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ V. सो गाइस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद विच योर बॉडी विल स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ये सब अपन किसका उपयोग करके कर पा रहे हैं, मात्र इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का. क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था कि बियॉन्ड फोर्स गिवन बाय फ्लूइड टू द बॉडी इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. कब रे, जब लिक्विड के अंदर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. अपन रिलेटिव डेंसिटी को आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन इसे यहीं पे बंद करते हैं.